रोटी खाने के नियम। नंबर एक, रोटी और चावल दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन रोटी से ज्यादा कार्ब्स चावल में होते हैं, इसलिए राइस खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन स्टार्च होने की वजह से जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसे खाने के बाद भूख भी जल्दी लगती है। नंबर दो, दोपहर के समय और रात के समय महिलाओं को 2 से 3 रोटी और पुरुषों को 3 से 4 रोटी खानी चाहिए। डाइट प्लान के हिसाब से इतनी रोटी खाने पर आपका फैट नहीं बढ़ता और आप फिट और स्वस्थ रहते हैं। नंबर तीन, ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता। दिन भर शरीर को ऊर्जा मिले इसके लिए आपको रोटी के साथ चाय नहीं पीना चाहिए। नंबर चार, सुबह के समय ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी और कब्ज से छुटकारा मिलता है। नंबर पाँच, गेहूं की एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और घी लगाने से कैलोरी बढ़ती है, इसलिए बिना घी लगाए ही रोटी खाना चाहिए। नंबर छः, गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती और गरम रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा भी बहुत कम होती है, जबकि ठंडी रोटी में कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, इसलिए गरम रोटी खाना सबसे अच्छा होता है। नंबर सात, बाजरे की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, जिससे कि आपको दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी होने का खतरा कम होता है और बाजरे की रोटी खाने के बाद भूख काफ़ी देर तक नहीं लगती, जिससे वजन भी नियंत्रित रहता है। इसके साथ ही बाजरे की रोटी में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। नंबर आठ, रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जबकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यह जल्दी पच जाता है, इसलिए चावल की अपेक्षा रोटी खाना अच्छा है। हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।